है और हमें करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली इस ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में कि सीपीईसी अब मर चुका है, खत्म हो चुका है, सीपीईसी को दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम चाइनीज के साथ बात करेंगे कि कैसे। चाइनीज कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज आर वरीड। अब इस तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसको लेकर पाकिस्तान के करंट पीएम शाहबाज शरीफ ने कमेंट किया है कि ये अब डेड हो चुका है, चाइना पाकिस्तान जो सीपैक है वो डेड हो चुका है। अब इसको मतलब कैसे ये फिर से पुनर्जीवित करें, या तो इसको बंद करके चाइनीज को बोले आप यहाँ से निकलो, आपका पैसा हम खा चुके हैं और हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक के करिएगा। जो पाकिस्तान के जो अपर हाउस है, जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसकी जो चेयरमैन है सेनेट की डिफेंस कमेटी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। जो बेसिकली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है बेसिकली यही समझिए कि वो चाइनीज कह रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो हैं वो डिफेक्टो चाइनीज एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में ये मशहूर है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जो चाइनीज कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम में, या जो पाकिस्तान की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, वो बड़ा शेक हो गया। मतलब द चाइनीज आर वरीड। अब इसमें दो एंगल हैं। पहली बात तो ये है कि चाइनीज खुद नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जो दासू पे जो हमला हुआ था उसके जो चाइनीज काफी मारे गए थे, उसमें चाइनीज ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे। इमरान खान ने मामला पहले ही ऑलरेडी खराब किए हुए थे, और अब नई हुकूमत आई है तो चाइनीज जो है वो प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। अच्छा, इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्यों डाला? क्योंकि इमरान खान के ऊपर चाइनीज पहले ही नाराज थे। इन्होंने सीपैक के मंसूबों के फ्रेंसिक ऑडिट कराने शुरू कर दिए, जिसका जो चाइनीज थे वो बड़े नाराज होने शुरू हुए। बल्कि मैं देख रहा था कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कह रहे थे कि जो इमरान नियाजी है उसने जनाब सीपैक के बुरे हालात कर दिए हैं, सीपैक ऑलमोस्ट बंद हो गया, फ्रेंसिक ऑडिट शुरू करा दिए, चीन नाराज हो गया। चीन ने तो नाराज होना है, जारी बात। इमरान खान तो कह रहा था कि भाई ये जो मंसूबे हैं इनका पता चले कि कौन क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं और हम उनसे क्या ले रहे हैं। अब जारी बात है ये चीज चाइनीज तो नहीं पसंद करते थे। बात तो इमरान खान की सही है, पता तो होना चाहिए, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है, बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम जो बैगर्स थे, हम उनसे जो चीजें मांग रहे थे, तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं इसको अनडू करो? उन्होंने फिर नाराज ही होना था। अभी जो है वो एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें आप देखेंगे उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद से ये बात कहलवाई है, और मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो पीआर के बेसिकली बंदे हैं, मीडिया के बंदे रहे हैं, पीआर के बंदे हैं। उन्होंने एक डेलीगेशन जो है वो चाइनीज एम्बेसी में लेके गए और कंडोलेंसेस की, और कहा जनाब के जो चाइनीज के वो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उनकी जो वफात हुई है और जो कत्ल किया गया है उस पे हम वो करने आए हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी। सो चाइनीज एम्बेसी ने या चाइनीज ने टफ टाइम नहीं दिया इस दफा, वो खामोश रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चाइना के अंदर जो है वो कंसर्न बहुत ज्यादा है, और उनके जो कंसर्न है बड़े अंडरस्टैंडेबल हैं, और जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी गई, और सिर्फ जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी प्रॉपर होनी चाहिए और अच्छे काउंटर मेजर्स लें, और अगर इसी तरह के अटैक जो है वो होते रहते हैं तो वो चाइनीज जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं, और चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को कहेगा जी ठीक है पाकिस्तान में आइंदा ना आए। अब ये एक बड़ा सीरियस धचका है। अब जाहिर बात है यहां पे आके फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि सीपैक के लिए तो पाकिस्तान ने आई थिंक दो सिक्योरिटी डिविजन रेज की हैं, और अच्छा भला पैसा जो है वो फौज को जाता है इस चीज का कि वो सिक्योरिटी दें इनको। अब उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया है, प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक की मद में आते हैं, और कुछ ऐसे चाइनीज हैं जो कि वैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है वो तो ऑफिशियल थे चाइनीज गवर्नमेंट के, उन पे अटैक करना तो तकलीफदेह चीज थी, जारी बात है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी तो मौजूद थी, लेकिन वो खातून जो थी उसकी, हमारे जिसे कहते हैं ना, उसकी उसने पूरी पता किया हुआ था, और वो उसको अगर आप देखें उस खातून को, तो वो उस जगह पे एक दिन पहले भी आई थी।
हमला करने हैं, लेकिन उस दिन उसने हमला नहीं किया, वो दूसरे दिन हमला करने हैं। उसने पहले दिन उससे हमला हुआ नहीं है, या उसकी सुइसाइड जो जैकेट है वो चली नहीं है, या क्या हुआ है। अब जो आके वो चाइनीज जो है, उन्होंने मुशैद सैन सैयद से इन लोगों से कहा है कि भाई आप जो है वो स्टेटमेंट्स दें हमारे हक में बोलें, और शहबाज शरीफ साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को या सिक्योरिटी के अदारों को, उनको हमारा पैगाम दें कि ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप सी पैक प्रोजेक्ट्स की बात करें, कैसे हो सकता है? इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है? क्योंकि सीपीईसी से नहीं आ रहा पैसा, पैसा खत्म, अमेरिका से ही फंडिंग आ सकती है, तो दे वांट बेटर रिलेशन। शाहबाज शरीफ खुद तो दिख रहे हैं कि वो अमेरिका के फेवर में जाते दिख रहे हैं, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है। वरना वो बोल सकते थे कि सीपीईसी का हमारा दूसरा एग्रीमेंट साइन हुआ है, इमरान खान साइन करके आया, मैं जाऊंगा वहां जाके बातचीत करके और लेफ्ट इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। अगर उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि सीपीईसी अब खत्म हो चुका है, सीपीईसी अब पॉसिबल नहीं है, उन्होंने ये भी बोला कि चाइनीज बहुत नाराज हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइनीज नाराज हैं, तो सीपीईसी अब नहीं चलने वाला, बंद हो गया सीपीईसी, सीपीईसी में पैसा नहीं आ रहा। एक चीज और उन्होंने बोली कि ये बोला गया कि जनरल बाजवा से के रिलेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या उनका एक्सटेंशन होगा। आर्मी इस बात को डिनाई कर चुकी है, आर्मी इस बात को डिनाई कर चुकी है, लेकिन शाहबाज शरीफ ने बोला कि मैं आर्मी के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता, आर्मी जो है वो देखेगी अपना, और जब नया चीफ की बात आएगी उस समय आपको जवाब मिल जाएगा, उस समय आपको आंसर मिल जाएगा, उस समय आपको नाम मिल जाएगा। ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था। आर्मी डिनाई कर चुकी है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहे, जनरल बाजवा खुद बोल चुके हैं कि मैं पोतों के साथ खेलना चाहता हूं, तो शाहबाज शरीफ ने मना क्यों नहीं किया? शाहबाज शरीफ बोल सकते थे, आप ये नहीं बोलते कि भाई हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो कम से कम ये तो बोल सकते थे कि बाजवा साहब खुद ही बोल चुके हैं कि मैं अपने पोतों के साथ खेलना चाहता हूं, इसका मतलब वो जाना चाहते हैं, या वो ये बोलते कि आर्मी खुद बोल चुकी है कि आप हमें मतलब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये भी उन्होंने नहीं बोला। साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट, आज ही DGISPR की एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR जो हैं आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, आर्मी ने भी एयरफोर्स तीनों के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि आर्मी को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं घुसाएंगे आप, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में घुसाने के लिए मतलब उनका नाम लिया जा रहा है बार बार आर्मी का, आर्मी को ना धकेला जाए, डोंट ट्रैक आर्मी इन टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब ये स्टेटमेंट और भाजपा की एक्सटेंशन की स्टेटमेंट दोनों आगे पीछे आई हैं, एक ही दिन आगे पीछे। इससे पता क्या लगता है? इससे पता लगता है कि भाजपा की कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की गुफ्तगू है। साथ में दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कमर चीमा और इंडियन जर्नलिस्ट रोहित शर्मा ने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। स्पेशली इंडियन जर्नलिस्ट रोहित शर्मा ने बोला है कि चाइना से अब कन्नी काट रहा है पाकिस्तान और उसको जाना है अमेरिका के करीब। रीजन क्या है? अमेरिका देता है पाकिस्तान को पैसा, ये लोन नहीं देता, ये पैसा देता है, और चीन देता है पाकिस्तान को लोन। अब आपको पता होगा कि यहाँ चीनी नागरिक जो लगातार मारे जा रहे हैं सीपैक का प्रोजेक्ट का काम करते वक्त, और ये सीपैक का प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से चल रहा है, ये बहुत तो मतलब आप समझे कि कोई मतलब 8-10 साल तो न्यूज आपने सुनते हुए हो गए होंगे, इसमें बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। और इसका बेसिकली मेन एक प्रोजेक्ट है कि चीन को कनेक्ट करना है गवादर पोर्ट से, वहां से ऑयल आएगा अरब कंट्री से, और चीन भी अपना यहाँ से माल भेजेगा और बेचेगा, जो भी इसको करना है वो करेगा, ये मेन प्रोजेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई हैं, चीन उनमें रोड वगैरह बनाएगा और बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जो मेन है वो इतना सब प्रोजेक्ट है। चीन चाहता तो ये प्रोजेक्ट आराम से 3-4 साल में कंप्लीट करके अपना काम चालू कर देता, बाकी जो है वो चलता रहता साइड में, लेकिन चीन वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी के तरफ से चीन मतलब एक सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो चीनी नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से चीनी नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की एजेंसीज ही चीनी नागरिकों को मार रही है, जिससे कि उनके अंदर एक डर आ जाए और चीनी यहाँ से निकल जाए, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह छोड़ छाड़ के भाग जाए, और जो भी पैसा है लोन के रूप में पाकिस्तान को चीन ने दिया है वो उनको चुकाना ना पड़े, क्योंकि उनके पास वो पैसा है ही नहीं और उस पैसे का कुछ यूटिलाइज हुआ नहीं, कोई इंडस्ट्री ही नहीं लगी, तो ऑब्वियसली वो
पैसा वो इन फ्यूचर भी नहीं चुका पाएंगे, मुझे ऐसा कुछ सीन लग रहा है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो